हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन इंजीनियर साहिल का ज्ञान। एंड इन दिस वीडियो बहुत ही कमाल की है, क्योंकि बीटेक ऑनर्स की डिग्री आपको बीटेक के कोर्स में ही दिलवा दूंगा मैं। एंड मैं क्या दिलवा दूंगा, ये दिलवा रहे हैं आपको एनपीटीएल स्वयं वाले, यानी कि आईआईटीज में जो पढ़ाई चल रही है वो पढ़ाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन देख सकते हो, पढ़ सकते हो। साथ ही साथ उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, एंड वो सर्टिफिकेट अगर आप अपनी कॉलेज में अप्लाई करते हो तो आपको मिलेगी बीटेक ऑनर्स की डिग्री। कुछ भी नहीं करना है, जो सब्जेक्ट्स आपके कॉलेज में चलती है वो ही सिमिलर आप कोर्स ले सकते हो, या कुछ आपको नया सीखना है जो आईआईटीज में पढ़ाया जा रहा है और मुझे भी पढ़ना है वहाँ से, तो आप बस इनके कोर्स को अप्लाई करो। फ्री में कोर्स होता है, फ्री में पढ़ सकते हो। बट अगर आप जिस सर्टिफिकेशन के लिए जाते हो तो छोटी मोटी अमाउंट पे करनी है, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम क्लियर किया, और एग्ज़ाम सिंपल होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। एग्ज़ाम जैसे ही क्लियर किया आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट के साथ कुछ मिलते हैं क्रेडिट्स, एंड उस क्रेडिट्स को अगर आप अर्न कर दियो तो आपको मिलेगी बीटेक ऑनर्स की डिग्री। तो आओ थोड़ा सा समझते हैं क्या गणित है आखिर बीटेक ऑनर्स को लेने के लिए। तो देखो, नॉर्मली सबसे पहले अगर मैं बात करूं बीटेक की, तो बीटेक के लिए आपको चाहिए होता है 160 क्रेडिट एट दी एंड, जो आपको जो भी आप एग्जाम देते हो यूनिवर्सिटीज के, वो यूनिवर्सिटी के सिंपल एग्जाम्स दो एंड क्लियर किया तो आपको 160 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। अगर मैं इसमें 20 क्रेडिट और एड कर दूं, दैट इज इक्वल टू 180 क्रेडिट्स, तो आपको ये देता है बीटेक ऑनर्स की डिग्री। अब ये 20 क्रेडिट कहाँ से आएंगे भैया, ये 20 क्रेडिट आपको मिलेंगे एनपीटीएल जनवरी से अप्रैल के बीच में जो एग्जाम्स हो रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज है उनको अप्लाई करने से आपको मिलेंगे। एंड उसके अंदर मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अलग अलग टाइप ऑफ कोर्सेज हैं, ठीक है। एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका ऑलरेडी, एंड इसकी लास्ट डेट भी बता दूंगा मैं। देखो, 4 वीक का कोर्स एक है, 8 वीक का एक है, 12 वीक का, वापस है 4 वीक का और 8 वीक का, ठीक है। इन सब के कब से स्टार्ट हो रही है, जनवरी 22 तारीख से ये तीनों स्टार्ट हो रहे हैं, 4 वीक, 8 वीक एंड 12 वीक। 4 वीक, 8 वीक का जो सेट 2 है, सपोज करो सेट 1 में मैं अप्लाई नहीं कर पाया, अब सेट 2 में देना है, तो फरवरी 19 इज द डेट जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, जहां से इनके कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। एंड एंड कब होंगे, 4 वीक का तो 4 वीक में एंड हो जाएंगे, 8 वीक का 8 वीक में एंड 12 वीक का 12 वीक में एंड हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्रेडिट्स की, अगर आप 4 वीक का करते हो तो यू विल गेट 1 क्रेडिट, अगर आप 8 वीक का करते हो यू विल गेट 2 क्रेडिट, अगर आप 12 वीक का करते हो यू विल गेट 3 क्रेडिट, ओके। एंड इसी प्रकार सेट 1 सेट 2 में अगर आप फर्दर अप्लाई करते हो तो 1 एंड 2 क्रेडिट आपको मिल जाएंगे। सबसे बढ़िया चीज है बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी इंजीनियर्स हैं, आप किसी भी ब्रांच को, इट डजंट मैटर, आप यहां से अप्लाई करो, गेट द एक्स्ट्रा क्रेडिट्स एंड गेट बीटेक ऑनर्स डिग्री, एंड जो आपकी बहुत हेल्प करेगी इन अपकमिंग फ्यूचर्स फॉर द कंपनी प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। ओके, एग्जाम डेट्स आपकी देखो यहाँ पर अप्रैल है, यानी कि जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है यहाँ पर तो आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, तो 4 वीक और 8 वीक का होगा मार्च में, एंड अप्रैल में 12 वीक का खत्म होगा तो अप्रैल में होगा इसका। एनरोलमेंट की लास्ट डेट है 29 जनवरी, यानी एग्जाम आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है 22 से, लेकिन एंड कब होगा, जनवरी 29 के अंदर। एंड इसी प्रकार सेट 2 का एंड कब हो रहा है कोर्स को अप्लाई करने के लिए, फरवरी 19, ठीक है। ये तो हुआ कोर्स की बात, यानी फ्री कोर्स है, आप जाके पढ़ सकते हो। अब मेरे को सर इसका एग्जाम भी देना है, यानी कि असाइनमेंट करने पड़ेंगे मेरे को। सबसे पहले 10 असाइनमेंट आते हैं इसके, 12 वीक है तो 12 आएंगे, 8 वीक है तो 8 आएंगे, एंड 4 वीक है तो 4 असाइनमेंट्स आएंगे। एंड विच इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये आपके ऑप्शन आते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, आपको लिखना नहीं पड़ेगा इसके अंदर, ABCD टिक करना है सिंपली। ओके, नाउ कम बैक, सो यस, वेयर वर वी, या सो एग्जाम की लास्ट डेट जो फिल करने की है वो है फरवरी 12 एंड फरवरी 16 फॉर द सेट 1, दिस एंड दिस, फरवरी 12 एंड 16 में से एक डेट रहेगी। इसी प्रकार सेट 2 की लास्ट डेट रहेगी मार्च 11। तो एग्जाम के लिए अप्लाई करो, सो दैट यू विल गेट सर्टिफिकेट, एग्जाम क्लियर हुआ सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट के साथ में मिलेंगे क्रेडिट्स, उन सर्टिफिकेट को आप अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो यू विल गेट दैट 20 क्रेडिट्स। अब मैं आपको बीटेक के लिए स्पेशल बता रहा हूँ, आपके पास होते हैं 8 सेमेस्टर्स, ओके, टोटल कितने होते हैं 8 सेमेस्टर। आपको लाइफ में ज्यादा लोड लेना ही नहीं है, ठीक है, मैं सिंपल एक बहुत इजी वे बता रहा हूँ, सो दैट आपकी बहुत तगड़ी हेल्प हो जाएगी। इसके अंदर क्या करना है आपको, सिंपली आपको एक तो 12 वीक वाले के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है, विच इज विल गिव यू द 3 क्रेडिट्स, एक आपको अप्लाई करना है 8 वीक वाला, ओके, विच विल गिव यू द 2 क्रेडिट्स, ओके। सो दिस इज हाउ एट द एंड यू विल गेट 5 क्रेडिट इन ईच सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में आपको 5 क्रेडिट मिलेंगे कंटिन्यूअसली। 4 सेमेस्टर में अगर आपने अप्लाई करते रहे तो आपका कितना हो जाएगा बताओ, 5
into 4 which is equal to 20 credits. So easily you will get the 20 credits into that. Okay, बहुत सिंपल प्रोसेस है. पर सेमेस्टर आपको 2 वीक में अप्लाई करना है, यानी कि 2 कोर्स में अप्लाई करना है. और कोर्स कौन से रहेंगे, जो आपके यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स चल रही है, लाइक जावा चल रही है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग चल रही है, सी चल रही है, C++ चल रही है, मेरे मशीन लर्निंग चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, तो उन सब में आप अप्लाई करो सिंपली एंड आपको यहाँ पर 5 क्रेडिट इस तरह से आपको मिल जाएंगे. नो डाउट, बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई टफ नहीं है इसमें. ओके, एंड एक तो आपका मार्च में होगा एग्जाम, एक अप्रैल में होगा अकॉर्डिंग टू दिस. इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी कि एक साथ 2 एग्जाम आ रहे, सर कैसे प्रिपेयर करूं. तो आप 8 वीक का लो, मार्च में एक एग्जाम होगा, 12 वीक का लो, अप्रैल में एग्जाम होगा, 3+2 5 क्रेडिट. एंड पर सेमेस्टर करोगे, 4 सेमेस्टर भी किया तो 20 क्रेडिट आ गए सिंपली. एंड 160+20 विच इज इक्वल टू 180. एंड एट द एंड आपको क्या मिलेगी, बीटेक ऑनर्स की डिग्री. तो एक क्वेश्चन ये बन रहा है, आप पहले तो चैनल को लो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक अगर आपको मजा आया. एंड चैनल को इसे सब्सक्राइब करा रहा हूँ क्योंकि इनकी मैं बहुत तगड़ी हेल्प करने वाला हूँ आपके आने वाले टाइम में. एंड अपन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट्स पे डिस्कस करेंगे. एंड हाउ टू रजिस्टर, वेरी फर्स्ट थिंग, पहला चीज यहाँ पर हाउ टू रजिस्टर. तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि एग्जाम कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और आपको एनरोल कैसे करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप मेरी आने वाली वीडियो में देखने वाले हो. सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई मेक श्योर आपके डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं दे दूंगा. सो जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में. थैंक यू सो मच.